नमस्कार, मैं हूँ दिबांजलि मोइत्रा। कहते हैं भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में हनुमान जी के सदैव अमर होने की बात लिखी गई। कहते हैं त्रेता युग की समाप्ति पर जब भगवान श्री राम अपने विष्णु स्वरूप में क्षीर सागर जाने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रुकने का आदेश दिया था। इसीलिए ये माना जाता है कि महाबली और बुद्धिशाली बजरंग बली आज भी इसी धरती पर कहीं ना कहीं मौजूद। उनके पराक्रम का बखान त्रेता युग से लेकर कलयुग तक चला आ रहा है, लेकिन अब उनके जन्म को लेकर बड़ा विवाद पैदा हो गया। भगवान राम के बारे में माना जाता है कि वो अयोध्या वासी थे, जबकि भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि वो मथुरा वासी थे। लेकिन अब बजरंग बली का जन्म स्थान आखिर कहाँ है, इसे लेकर दो राज्य आमने सामने आ गए। दोनों ही राज्य ये दावा कर रहे हैं कि बजरंग बली उनके राज्य में पैदा हुए थे। जिन दो राज्यों में ये विवाद छिड़ा है वो राज्य है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कर्नाटक का दावा। कर्नाटक का दावा है कि हनुमान का जन्म किष्किंधा के अंजनाद्री पर्वत पर हुआ था। ये जगह कोप्पल जिले के अनेगुंडी में बताई जाती। कर्नाटक ने किष्किंधा के अंजनाद्री को लेकर अपने दावे के समर्थन में एक प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया। रामायण में हम्पी से लगे किष्किंधा का एक संदर्भ आता है। रामायण के मुताबिक इसी जगह पर भगवान राम और लक्ष्मण पहली बार हनुमान से मिले थे। कोप्पल जिले से आने वाले मंत्री बीसी पाटिल का कहना है, अब हम इस जगह को हनुमान जन्मस्थल के नाम से तीर्थस्थल के रूप में विकसित करेंगे, जबकि कर्नाटक के शिवमोगा स्थित रामचंद्रपुर मठ के प्रमुख राघवेश्वर भारती अपने दावे के समर्थन में रामायण का जिक्र करते हैं। इसमें हनुमान जी सीता से समुद्र के पार गोकर्ण में अपना जन्म स्थान होने की बात कहते हैं। राघवेश्वर भारती का कहना है, रामायण में मिले प्रमाण से हम कह सकते हैं कि गोकर्ण हनुमान की जन्मभूमि और किष्किंधा स्थित अंजनाद्री उनकी कर्मभूमि। आंध्र प्रदेश का दावा। महाबली हनुमान के जन्म को लेकर दावा करने वाले आंध्र प्रदेश के मुताबिक हनुमान की जन्मभूमि तिरुपति की सात पहाड़ियों में से एक पर। इस पहाड़ी का नाम भी अंजनाद्री। आपको बता दें, तिरुपति में स्थित तिरुमला मंदिर हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। तेलुगु में तिरुमला का मतलब सात पहाड़ियां होता है और ये मंदिर इन्हीं सात पहाड़ियों को पार करने पर आता है। यही वजह है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD ने विशेषज्ञों का एक पैनल भी गठित कर दिया। TTD ट्रस्ट बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी KS जवाहर रेड्डी ने कहा है कि हमारे पास तिरुपति में हनुमान का जन्म होने का प्रमाण देने के लिए पौराणिक और पुरातात्विक साक्ष्य हैं। आपको बता दें, इस पैनल में इसरो के वैज्ञानिक, वैदिक स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं। विशेषज्ञों का ये पैनल 21 अप्रैल को हनुमान जी के जन्म को लेकर अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।